गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। आज हम टेंथ के सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कई दिन से मेरे पास एक कंप्लेंट आ रही थी कि सर आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, मींस इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जितने भी टर्म्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स लिखूंगा, उनका हिंदी मीन क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं। बाकी अंडरस्टैंडिंग तो आपको मैं हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ, जो मेन वर्डिंग थी वो मैं इंग्लिश मीडियम में लिख रहा था, लेकिन इस बार हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से स्टडी करेंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो आगे से ध्यान रखें, आप उनको हिंदी मीडियम में भी जो मेन वर्ड्स है, जहाँ हिंदी का यूज होगा वहाँ हम हिंदी का यूज करेंगे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आज सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। सेकंड चैप्टर के अंदर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स की हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट्स का क्या है, हमने क्या पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बेसिक जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम चैप्टर की तरफ चलेंगे कि चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। ये बात आपको क्लियर है, जैसा कि चैप्टर अध्याय में लिखा है, जो अध्याय का नाम है चैप्टर का नाम वो है एसिड्स मीन्स अम्ल, बेसिस क्षार, साल्ट्स नमक। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे नमक देखते हैं, क्षार ये चीज क्या है, अम्ल क्या है, बहुत सारी चीजें हम दैनिक जीवन में देखते हैं। थोड़ा पहले वो बेसिक समझते हैं। देखिए, हमने देखा है जो अगर हम टेस्ट करें, किसी भी चीज को हम टेस्ट करें, तो उसका टेस्ट कैसा हो सकता है, स्वीट ही हो सकता है, मीठा हो सकता है, साल्टी नमकीन ही हो सकता है, सार खट्टा हो सकता है। साल्टी मीन्स नमकीन, किस चीज का नमकीन हो सकता है, सार खट्टा हो सकता है, बिटर कड़वा हो सकता है, मीठा हो सकता है, इस तरीके का आप किसी चीज को टेस्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिटर टेस्ट, सार टेस्ट और साल्ट टेस्ट, एसिड, बेसिस और क्षार के लिए भी आपने 9th क्लास में स्टडी किया था कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है और साल्ट का टेस्ट कैसे होता है। आप टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, जो नॉर्मल इटेबल थिंग्स हैं उनका आप टेस्ट बता सकते हैं, लेकिन जो इटेबल नहीं, बहुत डेंजरस है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको आप ईट करके बाई टचिंग टंग, जबान से छूकर आप नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे साइनाइड केमिकल, बहुत सारे केमिकल साइनाइड जैसा, इतना टच होने के बाद आप टेस्ट नहीं बता पाएंगे, इतना आपकी डेथ हो जाएगी, तो उनको आप ऐसे नहीं पहचान सकते। तो हम एक बार जान लेते हैं, वही सिंपल, अम्ल का जो टेस्ट होता है आपको पता है, अम्ल का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सार खट्टा। इसी तरीके से अगर हम बेसिस क्षार की बात करेंगे, तो क्षार का जो टेस्ट होता है वो नमकीन ही होता, सॉरी, क्षार का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, क्षार का यानी बेसिस का कड़वा टेस्ट होता है। और नमकीन साल्टी की अगर हम बात करें, तो जो साल्ट्स होते हैं उनका टेस्ट साल्टी होता है। ये अभी हद तक हमने 9th क्लास में स्टडी किया, जिसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। इसके बाद में हमारे पास पीएच स्केल भी है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी मदद से भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसकी मदद से हम एसिड और बेस का पता लगाएंगे, लेकिन साल्ट का पता नहीं लगा सकते। केमिस्ट्री के अंदर आप एसिड और बेस को पीएच स्केल से पता लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, आपने 9th क्लास में समझा होगा, पीएच 1 से हम मानेंगे 7 और 7 to 14, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना, थोड़ा ध्यान से समझना बहुत जरूरी। डियर स्टूडेंट्स, जो 7 पीएच होगी वो न्यूट्रल होगी, यानी 0 पीएच मान, 7 के बाद में अगर 6 पीएच है तो वो कम है, 5th है तो और ज्यादा है, 4th और इसी तरीके से
थर्ड टू और हम मानेंगे वन। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो पीएच वो इश यहाँ और यहाँ, इसको थोड़ा समझना है डियर स्टूडेंट। जैसे यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, नाउ 14 यहां तक आएगा। तो पीएच को कहां से हम स्टार्ट करते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया था, पीएच को हम 7 से स्टार्ट करते हैं। अगर ये आप जानते हैं, एक से सात के बीच में पीएच जो होगी वो एसिड की होगी, मींस एसिड जो है वो पीएच क्षार अम्ल जो है उसकी जो पीएच होगी एक से लेकर सात के बीच में होगी, और जो बेस होगा उसकी जो पीएच होगी 8 से लेकर 7 से लेकर 14 के बीच में होगी। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 7 से लेकर 14 के बीच में किसी की पीएच आ रही है किसी भी केमिकल की या सॉल्यूशन की, हम समझेंगे कि वो बेस है। अगर किसी की पीएच 1 से 7 के बीच मारे तो हम समझेंगे वो केमिकल, लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस, वो एसिड है। तो ये आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया। अब हम यहाँ से ये भी आपने सीखा था कि कहाँ से पीएच स्टार्ट होगी, कौन सा कम बेसिक होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज्यादा कम एसिडिक होगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बात थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते देखते हैं। सबसे ये 7 पॉइंट न्यूट्रल है, 7.1 से लेकर ये सबसे कम बेस है यहाँ। अब आगे की ओर बेसिक प्रॉपर्टी, बेस की बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। 9 का इससे ज्यादा बेस है, 10 का इससे ज्यादा, 11 की इससे ज्यादा, 12 का इससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा 14 की पीएच जो है, इसका मतलब बेस सबसे ज्यादा वो है जिसकी पीएच 14 है। लेकिन एसिड में अपोजिट है। एसिड को थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे कम पीएच एसिड के मामले में 6 की है, उससे कम इसके बीच की है। हम 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 6.9 कह सकते हैं, 6.9 सबसे कम पीएच होगी एसिड की। इसके बाद में 6 और ज्यादा होगी, 5th की एसिडिटी और ज्यादा, इस तरीके से एसिडिटी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा एसिड 1 पॉइंट जो चीज होगी, 0.00 या समथिंग। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो एक है। एक एसिड पीएच की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये आ जाए कि पीएच 1 ज्यादा है या 3 ज्यादा है, तो इट मींस क्या है, पीएच 1 ज्यादा है 3 कम है। क्यों? एसिडिटी जितना हम नीचे की तरफ आएंगे उतना एसिडिटी बढ़ेगी, जैसे ही हम न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जाएंगे एसिडिटी डिक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब है कि 2 की एसिडिटी ज्यादा है 3 से, ऐसे 4 की एसिड ज्यादा है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये पैमाना हमने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया था, पीएच स्केल से एसिड अम्ल बेसिक क्षार को पता लगाना। दूसरा पैमाना आपने स्टडी किया था टेस्ट के आधार पर, टेस्ट के आधार पर एसिड बेस अम्ल क्षार और साल्ट नमक को आपने स्टडी किया था टेस्ट करके। दूसरा पीएच स्केल से पता लगाया था। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे अध्याय के अंदर हम स्टडी करेंगे अमल लैबोरेटरी के अंदर कैसा होगा, लैब के अंदर कैसे दिखाएगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज, अमल क्षार और नमक इसकी लैबोरेटरी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, किस तरीके की फॉर्म में ये पाए जाते हैं, इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम पूरा इस चैप्टर सेकंड चैप्टर के अंदर ये पूरे टॉपिक हम स्टडी करेंगे। आइए वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसिड को। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आपने लैब के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप लैब के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, लैब के अंदर क्या ऑब्जर्व करेंगे आप देखिए। अगर किसी भी, हमने बताया था कि एक, ये भी हमने बताया था आपके लिए नाइन्थ क्लास में बताते हैं,
अगर कोई भी एसिड या बेस अम्ल और क्षार अगर H प्लस आयन देगा, कोई भी एसिड या बेस जब उसको डिसोसिएट करेंगे अगर वो H प्लस आयन देगा तो वो एसिड है, अगर OH माइनस आयन देगा तो वो बेस है। तो इसी आधार पर आप देख रहे हैं OH, जहां OH लग गया, जहां OH लग गया वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो बेस हो गया। क्योंकि जब भी डिसोसिएट करेंगे, जैसे मान ले हाँ KOH है, इसको डिसोसिएट करेंगे तो K प्लस और OH माइनस आ रहा। अब यहां K है और OH है, तो हमने H और OH को कंसीडर करना है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स pH का मतलब ही पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जब pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हमें सिर्फ H और OH को ही कंसीडर करना है। तो KOH को जब हम ऐसे ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो K पर प्लस और H पर माइनस आएगा। तो यहाँ H और OH में देखेंगे तो OH है, माइनस चार्ज आ गया इसके ऊपर डिसोसिएट करने पर। इसी तरीके से यहाँ HCl है, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आएगा। तो Cl को हम कंसीडर करेंगे नहीं, H और OH को ही कंसीडर करेंगे कहीं भी। तो यहाँ H है तो ये H यहाँ पॉजिटिव मारा, इट मीन्स ये क्या है, अम्ल है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ HNO3 में ये पॉजिटिव, बाकी इसका नेगेटिव है। तो इसी तरीके से अगर हम इसका करेंगे डिसोसिएशन तो क्या होगा, H प्लस और SO4 टू नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ये भी H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो कौन सा आयन देगा कोई एसिड या बेस डिसोसिएट होने पर, उसके आधार पर भी ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। मींस एसिड अम्ल एच प्लस आयन देगा और क्षार जो है बेस OH माइनस आयन देगा। एक ये भी आईडी लैब के अंदर ये स्टडी कराया जाएगा। तो इस तरीके से H2SO4, HCl, HNO3 ये एसिड हैं, और इस तरीके से MgOH2, COOH2, NH4OH2 यानी ये OH आयन देंगे, ये बेस हैं। इस आधार पे भी एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, एसिड और बेस के साथ मेटल्स का क्या रिएक्शन है, यानी हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, मींस अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं, यानी धातुओं के साथ अम्ल या क्षार की रिएक्शन कराएंगे तो किस तरीके की रिएक्शन होगी। आइए चलते, ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार अगर ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ। अगर मेटल के साथ, ये ध्यान रखना है, एसिड और बेस में से कोई सा भी अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एक तो साल्ट की फॉर्मेशन होगी प्लस में गैस रिलीज होगी, साल्ट बनेगा प्लस में गैस रिलीज होगी, ये बात ध्यान रखना। आइए रिएक्शन में देख लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम जिंक डाल दें, जिंक के छोटे छोटे पीसीस की फॉर्म में जिंक आती है, जैसा आपकी बुक के अंदर दिखाया गया है, ये आपकी बुक के अंदर इस तरीके से दिखाया गया है, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले हैं और ऑलरेडी इसमें H2SO4 गैस है। जब H2SO4 में जिंक के पार्टिकल्स डालेंगे तो H2SO गैस बाहर निकलेगी, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर इस तरीके से हम एक ट्यूब लगाएंगे, उसमें से हाइड्रोजन गैस वाटर से बाहर आएगी, जब वाटर से बाहर आएगी तो हमारे पास एक मोमबत्ती होगी, कैंडल होगा, कैंडल हम ऑलरेडी जला के रखेंगे, तो जब वो कैंडल के पास से गैस के पार्टिकल्स निकलेंगे तो पॉप साउंड की आवाज प्रोड्यूस करते हुए, पॉप साउंड की, पॉप 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 इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हुए वो हाइड्रोजन गैस चलेगी। अगर पॉप साउंड की आवाज में जल रही, इट मीन्स क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है।
तो इस तरीके से आपने देखा H2SO4 जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगी। ये साल्ट है, ये साल्ट है। साल्ट अभी आगे आएगा और हम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे वहां। तो साल्ट बना और ये गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। तो ये बात हो गई एसिड की। अगर बेस की बात करें हम OH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, ये एक बेस है। अगर इसके साथ भी जिंक की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये भी एक साल्ट का निर्माण बना, सोडियम जिंकेट। ये भी एक साल्ट है और प्लस में गैस बाहर आ रही है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपने देखा एसिड यानी अम्ल बेस यानी क्षार के साथ रिएक्शन करने पर मेटल साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज और हल्के से मैं करा देता हूं। अगर पीएच की हम बात करेंगे, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर को जानना। हाइड्रोजन में दो है, एक OH है एक H। H प्योर फॉर्म में, OH प्योर फॉर्म में नहीं है। तो H और OH की पावर को जानना। अगर कोई भी सॉल्यूशन कहेंगे हम, वो H प्लस आयन देगा अपने आयन्स में डिसोसिएट होने पर, H प्लस आयन देगा तो वो एसिड मीन्स अम्ल है, OH माइनस आयन देगा तो वो क्षार है। तो इस तरीके से इसके बाद में हम धातुओं के साथ, मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। एसिड या बेस के साथ मेटल से रिएक्शन करने पर साल्ट बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आया होगा और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स एक बात को कंसिडर करें, जो ये रिएक्शंस हैं, ये वर्डिंग है, ये आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ती है। ये वर्डिंग एज इट इज आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ती है। ये जो नेम है ये हिंदी में आप स्टडी करेंगे लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में ही। ये भी आप जितने भी जो मैन टर्मिनोलॉजी है इस तरीके की, वो आप एज इट इज इंग्लिश में लिखेंगे। बाकी मैंने हिंदी में बता दिया, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट चैप्टर के, सॉरी, सेकंड अध्याय, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आज के लिए इतना ही। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले एक बात ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए क्या करेंगे आप, ग्रीन एजू डॉट टेक, आपने हमारा चैनल खोल रखा है ग्रीन, ग्रीन एजू डॉट टेक, ग्रीन एजू डॉट टेक आपने खोला है। नीचे जब आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा था, रेड कलर में जो सब्सक्राइब लिखा था आप उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक आगे आएगा कि नोटिफिकेशन आपको आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जो भी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छी तरीके से आपको हर एक वीडियोस मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, दूसरे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें, उनको भी बताएं, उनको लिंक भेजें, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैंने कई बार बताया भी, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 9671560626। इस पर आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर ये बच्चा ऐड होना चाहता है 10th क्लास का, 12th में हम उसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम डेली आपको अपडेट करते रहेंगे, डेली क्लासेस चलेगी, आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाएगा, या जो व्हाट्सएप पर हमने ग्रुप बना रखे हैं 10th 12th के, उनमें हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं आपको सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, लगातार अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब के लिए गुड बाय।